पंजाब दे मोहाली दी 15 साल दी अनन्या कंबोज पंजाब दी स्थिति दी उम्र छोटी है पर उपलब्धियां बेहद वड्डियां हन। 11वीं क्लास च पढ़दी अनन्या कंबोज ने पूरी दुनिया च पंजाब अते अपने परिवार दा नाम रोशन कीता है। हाल ही विच बतौर जंग जर्नलिस्ट उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप कवर करन समेत यूएन विच बोल ओ मुकाब हासिल कर लिया जो अपने आप विच ही बाकमाल है। महज 15 साल दी उम्र अते अनन्या कंबोज एक लेखक है। उसकी किताब आ चुकी है। ब्रिक्स कंट्री लई एक गुडविल अंबैसडर है अते इस महीने यूनाइटेड नेशन दी यूथ फोरम विच वर्चुअली माध्यम राही स्पीच दे उसने पूरी दुनिया च पंजाब दा नाम रोशन कीता है। पिछले 3 सालों तो अनन्या बतौर यंग जर्नलिस्ट भारत दी नुमाइंदगी ग्लोबल पद्धरी फुटबाल फॉर फ्रेंडशिप सोशल प्रोग्राम च कर रही है। इस विच फीफा यूएएफए अते यूएन शामिल हन। द ओलंपिक्स अते पैरालंपिक कमेटी भी इस विच शामिल है। इस विच कई मुल्कां दीआं सरकारां अते फुटबाल फेडरेशन वख-वख मुल्कां दे शामिल हन। अनन्या कंबोज स्कूल विच खेडां नूं बतौर सिलेबस शामिल करन दी झंडा बरदार है अते उसदा मनना है कि एजुकेशन स्पोर्ट्स अते बचपन नालों नाल बराबर अहमियत विच विचरने चाहीदे हन। कौमांतरी पद्धर उपर वड्डे मुकाबलियां विच पार्टिसिपेट करन नाल उसदी सोच दा दायरा विशाल है अते महिला सशक्तिकरण अते खेडां विच जेंडर इक्वैलिटी दी गल करदी है। जदों बहुते लोग स्कूल दे सिलेबस दी गल करदे हन तां उहनां लई मैथ साइंस सोशल स्टडीज़ अते भाषा दे कोर्स हुंदे हन पर स्पोर्ट्स नूं बतौर अहम विशा स्कूली पद्धर तों बराबर दी अहमियत देनी चाहीदी है ना कि इह हर विद्यार्थी दे लई बचपन तों ही चोणवां होवे। जेकर कोई बच्चा शुरू तों ही खेडां च कोई सहभागता ही नहीं लैंदा तां उस नूं जित अते हार दे मायने की पता होणगे। इह भावना तां खेड दे मैदान विचों ही आउंदी है। उसने अपनी सारी कामयाबी दा सिहरा F4F प्रोग्राम नूं दित्ता है जिस नाल उह पहली वार साल 2017 विच जुड़ी सी जदों भारत विच अंडर 17 मर्दां दा मुकाबला वर्ल्ड कप होया। अनन्या ने ऐसे राइटिंग कंपीटीशन च हिस्सा लिया जो मिशन 10 मिलियन वल्लों करवाया गया सी। भारत सरकार वल्लों फुटबाल नूं उत्साहित करन लई ऑल इंडिया फुटबाल फेडरेशन वल्लों करवाया गया जिस विच चुने जाण तों बाद ओ F2F प्रोग्राम लई रूस वास्ते चुनी गई जिथे उसने भारत की नुमाइंदगी की सी। अनन्या का कहना है कि मेरे लिए लाजवाब तजर्बा सी। इस राही मैं वख-वख मुल्कां दे सभ्याचार रवायत भाषा रस्मों रिवाज वेखे समझे अते ग्लोबल पद्धर ते वख-वख मुल्कां तों आए नौजवान बच्चों नाल मेल मिलाप होया। उन्हां तों काफ़ी कुछ सीखण नूं मिलिया अते काफ़ी आदान प्रदान होया। सानूं वख-वख टीमां विच वंड दिता जांदा सी अते वख-वख विशेआं जिवें कि फ्रेंडशिप बराबरी फेयरनैस ट्रडिशन पीस डेविएशन विक्टरी हैल्थ उपर लिखण लई कहा जांदा सी। असीं फुटबॉल मैच बारे रोज़ाना लिखते सी। अनन्या बतौर लेखका भी वड्डे मुकाम हासिल कर रही है। 15 साल की उम्र च उसकी पहली किताब माई जर्नी फ्रॉम मोहाली टू सेंट पीटर्सबर्ग छपी है जिस विच उसके तजर्बियां नाल संबंधित 21 स्टोरीज हैं। यह किताब 9 ह्यूमन वैल्यूज बारे दसदी है जो उसने अपने इस प्रोग्राम दौरान दिसे दे फुटबॉल दे स्पोर्ट्स किवें वख-वख सभ्याचार नूं इकट्ठा करन आपसी मेलजोल भाईचारा वधा सकदा है। उसका जिक्र उसकी 2018 फीफा वर्ल्ड कप दौरान रिलीज़ हुई इस किताब विच मिलता है। अनन्या का कहना है कि उसकी किताब विच उसके अपने तजर्बे हैं। अनन्या इस वेले अपनी खास मिशन तहत काम कर रही है। उसका कहना है कि मेरा टीचा है कि मैं स्पोर्ट्स के खेत्र विच अवेयरनैस लियावां। कुड़ियां नूं खेड दे मैदान विच बराबर दे मौकियां दी जम के वकालत करती है अते खेड दे मैदान विच लिंग बराबरी दी हमायती है। वाकई इस छोटी उम्र विच इस बच्ची दे टीचे बहुत वड्डे हन अते ओह वड्डे मुकाम हासिल कर रही है। अपने भविख नूं लै के अनन्या दा प्लान जर्नलिज़म विच स्टडी करना है अते फिर ओह फीफा मास्टर्स प्रोग्राम लई अप्लाई करना चाहुंदी है जो कि एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्स है। ब्यूरो रिपोर्ट सिख न्यूज़ एक्सप्रेस। जेकर तुहानू साडा इह उपराला चंगा लगा है तां इसनू लाइक करो शेयर करो अते साडे यूट्यूब चैनल नू सबसक्राइब करो।